आज के टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत है उसकी बात करें तो वो है आपके चलान की दिक्कत। मतलब अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो, गाड़ी मोटरसाइकिल कोई भी व्हीकल, और अगर आप रोड पर निकलते हो तो जो नए एक्ट है, जो नया कानून है, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए। वैसे पहले भी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए थे, लेकिन पहले जो चलान का वैल्यू था वो कम था। अब भी जो चलान का वैल्यू है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि कभी कभी चलान जब पूरा कटता है तो वो व्हीकल के वैल्यू से ज्यादा हो जाता है चलान। अब हाल ही में कुछ न्यूज आए थे कि भैया किसी का यहाँ पे 25,000 का चलान कटा था, किसी का 50,000 का चलान कटा था। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी चला दी, कुछ लोगों ने यहाँ पे गाड़ी भैया पुलिस वाले को ही दे दी कि तुम ही रख लो, क्योंकि भैया 25,000 का तो स्कूटर नहीं है तो चलान कहाँ से भरूंगा मैं। तो यार ये कमाल की चीजें सामने निकल के आई है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे यार मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि गवर्नमेंट ने ये जो नए चलान के रूल बनाए हैं ये बिल्कुल सही है, नहीं है, कैसे है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए। तो चलिए करते हैं इसके बारे में बात। क्या क्यों कैसे कब देखो अब। हाँ, देखो अब। तो यहाँ पे भाई बात आ जाती है कि कैसे इस चीज को अवॉइड किया जाए। अब यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा जो चलान की दिक्कत आती है वही आती है कि आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ नहीं होते, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। डिजी लॉकर प्रमाण पत्रों और सरकारी कागजातों का पुलिंदा लेकर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना बीते कल की बात होगी। आज जमाना डिजिटल है और इसलिए सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर दिया जाएगा। इस डिजिटल लॉकर में वो अपनी मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य सभी प्रमाण पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। ये सभी डिजिटल प्रमाण पत्र सत्यापित होंगे और सभी सरकारी विभागों में मान्य होंगे। अब ये देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि भैया इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी तरीके से वैलिड होगा और उसको कोई भी लेने से या मानने से मना नहीं कर सकता है। तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पे डीजी लॉकर या एम परिवहन, लेकिन हम बात करने वाले हैं डीजी लॉकर के बारे में बिकॉज वो ज्यादा एफिशिएंट है और उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं आपको। तो करना क्या, आपको जाना है फोन के अंदर और आपको ढूंढना है ये एप्लीकेशन। तो आप जा सकते हो प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, जैसा भी फोन आप यूज करते हो, वहां पे जाके आपको टाइप करना है डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर टाइप करने के बाद देखो आपको कुछ ऐसा आइकन मिलेगा, ये पर्पल कलर का एप्लीकेशन है, तो इसको करना है आपको इंस्टॉल। और इंस्टॉल होते ही इस एप्लीकेशन के अंदर सारी दिक्कतें जो हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है। डिजी लॉकर यूज करने के लिए यार यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये है कि यहाँ पे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। अगर ये नहीं किया तो भैया पहले ये कराओ, क्योंकि वो नहीं करोगे तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर डिजी लॉकर को यूज करना है और अगर आपने सारे काम कर रखे हैं तो चलते हैं आगे और एप्लीकेशन को यहाँ पे दोस्तों खोलते हैं। तो एप्लीकेशन खोलते ही ये आपसे मांगता है यूजर आईडी और पासवर्ड, तो यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं हम और देखते हैं फिर क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसकी वीडियो मैं दोबारा से बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। वैसे मैंने इसकी वीडियो बना रखी है बहुत टाइम पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर भी लिंक आ गया होगा, आप जाके वहाँ पे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर दोबारा से चाहिए फ्रेश वीडियो तो दोबारा बना देंगे भाई आपके लिए। तो ये डिजी लॉकर का जो होम पेज है यहाँ पे आपको तीन टैब मिलती है, बेसिकली डैशबोर्ड, इशूड डॉक्यूमेंट्स और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो डैशबोर्ड पे आपको जनरल डिटेल्स आते हैं और ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट चेक करती है खुद, और शायद आपने रिट्रीव किया होगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद भाई आ जाता है यहाँ पे इशूड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में देखो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यहाँ पे मेरा DL है, यहाँ पे मेरा गैस का कनेक्शन है, यहाँ पे पैन कार्ड है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, अलग अलग गाड़ियाँ जो उसके RC है मेरे पास, यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो ऑप्शनल होता है, उसका गवर्नमेंट के साथ कोई लेने देना नहीं है, वो प्राइवेट पार्टीज इंश्योर करती है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आप कहीं और से भी करवा सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड अगर रिट्रीव करता हूँ तो ये देखो आधार कार्ड मेरा ऐसा दिखता है यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे और डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो ये हो गया मेरा लाइसेंस, तो लाइसेंस रिट्रीव करते हैं तो भाई देखो लाइसेंस ऐसा दिखता है। और अगर फॉर एग्जांपल RC दिखानी है मुझे पुलिस वाले को या ट्रैफिक वाले को, तो यहाँ पे मैं टच करता हूँ RC के लिए और ये यहाँ पे आ गया मेरा RC, तो भाई RC भी ऐसा दिखता है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डिजी लॉकर वेरीफाई का मतलब कि ये गवर्नमेंट ने खुद वेरीफाई किए हैं और ये पूरी तरीके से वैलिड है। अगर आप ये किसी को भी दिखाते हो तो उसको ये मानना पड़ेगा। ये था सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन कैसे है कि भाई अगली बार अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हो और अगर आपको ट्रैफिक वाला रोकता है और वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके, तो आपको दोबारा घर आने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बहुत ईजी एप्लीकेशन है और इसके अंदर अपने
सारे डॉक्यूमेंट्स फेच कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले आओ, ये ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट्स आते ही कोई भी आपको रोक रहा है तो वहाँ पे भी आप निकालो मोबाइल और ये दिखाओ कि हाँ भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। यहाँ पे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, वो भी यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो। पॉल्यूशन जो है वो एक अलग चीज़ है, उसको आपको पेपर के फॉर्म में दिखाना होता है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। लेकिन पॉल्यूशन के अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, RC, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू दिखा सकते हो और वो पूरे तरीके से वैलिड माने जाएंगे। तो यार होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे। तो ये था सिंपल सा तरीका कि भैया पुलिस वाला रोकता है तो कैसे उसको जवाब देना है, मतलब अच्छे तरीके से, और कैसे अपने चालान को, अपने पैसों को बचाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ भैया जिनका आप चाहते हो कि चालान ना कटे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में यहाँ पे करते ही खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।